गुड इवनिंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन चैनल अकेडमी पे। और मैं डॉक्टर एन एस सगाव आपके साथ जुड़ गई हूँ शाम का सेशन लेकर, बायोलॉजी स्पेशल। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1.5 महीने से हम लोगों ने UPPCS प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है बच्चों, और उसी कड़ी में हम लोगों ने आपके लिए पूरा कोर्स जो हम लोगों ने डिजाइन करा है, तो उसी में हम लोग डेली आपके लिए हर विषय पर क्लासेस लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि अभी तक हमने बायो का काफी जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उसी कड़ी में हमारा एक अंतिम टॉपिक चल रहा था, तो उसका नाम है आपका किंगडम एनिमेलिया, यानी कि आपका जंतु जगत। बात समझ में आ गई बच्चों? और देखिए जंतु जगत क्या चीज है। जंतु जगत में मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स है सारे। मैंने इसमें आपको अलग अलग तरह के बच्चों एनिमल्स के बारे में बताया। मैंने आपको रीढ़ की हड्डी के बिना जो एनिमल्स हैं वो हम लोगों ने कवर करा, ठीक है। उसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी वाले हैं वो हम लोगों ने कवर करा। तो ऑल एंड ऑल अबाउट आपको सब कुछ मिल रहा है। आज कुछ फाइलम्स हमारे छूट गए थे, ठीक है, तो वो फाइलम्स आज आप कवर करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक मिनट देख लेते कौन कौन से बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं सेशन में। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन बच्चों, मैं हूं डॉक्टर एना सराफ, आपकी मेंटर एंड कोच फॉर UPPSC, और बहुत दिनों से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूं बच्चों, ठीक है। अर्शी, पनीता जी, दास्तान खान, रितु, समरदीप, सारे बच्चों को बहुत बहुत सारा गुड इवनिंग। चले तो बच्चों मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने है। आई माई सेल्फ हैव रिटन UPPSC ट्वाइस, मीन्स दो बार, ठीक है। और मेरा प्लस प्रोग्राम भी अभी ऑनलाइन है अन अकेडमी पर, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी का। और आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, आपको अपने 11 अक्टूबर का पेपर और जितने भी एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं, तो उसका एक फुल प्रूफ आपको अगर तैयारी करना है तो सोचिए मत, ठीक है, कि क्या पढ़े, आप पढ़िए। यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। साहिल जी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जितने भी आपके लाइव एजुकेटर्स हैं, जो हम लोग हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उनका कोड अप्लाई करना है। इसमें आपको बच्चों मैं बार बार बता चुकी हूँ, सारे एजुकेटर्स आपको बताते हैं कि इसके अंदर आपको उनका स्पेशल क्लासेस, उनका नोट्स, ठीक है, उनका PDF टेस्ट सीरीज और उनका आपको मार्गदर्शन, जिस लेवल पर भी आप चाहें मार्गदर्शन आपको बच्चों प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आरिफ, गुड इवनिंग, बहुत सारे बच्चों को प्यार, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, समझ आ रही है बात। चलिए अनअकैडमी डाउनलोड आप ऐसे कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी डाउनलोड करें बच्चों, ठीक है। वहां पर आप इंस्टॉल का बटन दबाएं, आपका शुरू हो जाएगा। रेनाथन इज द कोच, क्लियर है। चलिए मेरा कोड है बच्चों, अगर मान लीजिए आपको UPPSC कोर्स उसमें सेलेक्ट करिएगा, उसमें रायना सराफ डालिएगा, ठीक है, रायना सराफ मेरा नाम डालिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, लेट मी रायना सराफ मेरा नाम आप लोग डालेंगे, ठीक है, और वहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर लेंगे अन अकेडमी पर। और अगर आपको कोर्स लेना है तो बच्चों केवल 300 से 400 रुपए मासिक शुल्क पर आपको पूरे 2 साल का कोर्स बच्चों मिल रहा है। बहुत ही कम दाम पर आपको ये कोर्स मिल रहा है बच्चों। मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा सा बेटर है, लेकिन फीवरिश है थोड़ा सा, गला इस ठीक है आपको समझ आना चाहिए बस, ठीक है बच्चों। तो जब भी आप नेक्स्ट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे, रहना चाहिए आपको कोड मिलेगा। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास, लेट्स क्रैक इट, ठीक है। देखिए 2 मिनट तो बताना पड़ता है। पीयूष तिवारी जी, गुड इवनिंग, गला थोड़ा सा खराब है बाकी सब कुछ बेटर है। तो बच्चों हम जो फाइलम आज पढ़ रहे थे, हमने कल तक आपका जितने भी वर्म्स थे, हाँ, 366 का बच्चों केवल आपको पड़ेगा हमारा कोर्स। और बच्चों एक एजुकेटर का आप कोर्स लेते हैं तो आपको सभी एजुकेटर्स के जो बच्चों कोर्सेज हैं वो आपको उसके लिए कोई अलग से पे नहीं करना, आप सभी के कोर्सेज मुफ्त देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज का जो हमारा अगला फाइलम था, दैट वॉज फाइलम, अभी तक हम देखिए बच्चों, एक बार आज जो नए बच्चे जुड़े हैं मैं एक बार आपको फटाफट से रिकैप कराती हूँ। ये बच्चों 9 फाइलम थे जो अभी तक हमने पढ़े हैं, 9 फाइलम। Renaten मेरा कोड आप याद रखिएगा, ठीक है, आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, ओके बच्चों। तो बच्चों पहला फाइलम मैंने आपको बताया था पोरीफेरा, दैट इज स्पंज। उसके बाद आ गया था निडेरिया, निडेरिया के नाम मैंने आपको बता दिए थे बच्चों, पूरा क्लास दे चुकी हूँ सबका, रिवाइज करा रहे हैं। सील एंड ट्रेटर उसके अंदर मैंने आपको बताया, जेली फिश, कोरल्स और आपका पॉलिप। उसके बाद मैंने आपको 3 कीड़े कल बताए थे, जिसमें से एक होते हैं चपटे कृमि, एक होते हैं आपके गोल कृमि और तीसरे होते हैं आपके अर्थवॉर्म, यानी कि आपके केचुए टाइप, ठीक है। इनके बारे में हमने कल बहुत अच्छे से बच्चों इस विषय को हमने पढ़ा है,
आशा करती हूँ आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा उन सेशंस के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? हाँ जी। और बच्चों आज का मोलस्क का भी मैंने कल आपको बताया था, जिनको मैंने बोला था जिनके ऊपर कवच होता है, जिनके ऊपर घोंगे, जिनको हम घोंगा फैमिली बोलते हैं। तो बच्चों कॉर्डेटा हम लोग पहले ही, कॉर्डेटा मतलब आपके हो गए रीढ़ की हड्डी वाले, ये भी हम लोग पहले बच्चों खत्म कर चुके हैं। तो अब हमारे लास्ट में बचते हैं दो, ठीक है, आर्थोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये दो बच्चों हमारे बचते हैं। तो आज हमको ये देखते कितना कवर हो पाता है। तो फाइलम आर्थोपोडा, इसमें बच्चों मेन आप याद रखिए कि ये जितने भी बच्चों फाइलम्स हैं, whoever phylums are there, जितने भी phylums अभी तक आपने पढ़े हैं बच्चों, तो उसमें सबसे बड़ा जो phylum है यानी कि सबसे बड़ा जो group है बच्चों वो है आपका Echinodermata। कौन सा है बच्चों? Echinodermata। क्लियर हो गई ये बात? चलिए जी, तो शुरू करते हैं बच्चों। ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ, पूरी फिगर बता चुकी हूँ। किसी को कोई बच्चों डाउट हो तो आप एक बार पूछ लीजिएगा मुझसे। देखिए सबका मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी, ये हम लोगों ने कल पढ़े थे सारे, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था ट्रू वर्म्स कहते हैं इनको, दो ओपनिंग्स होती हैं इनकी, माउथ एंड एनस, ठीक है। चलिए ये आपका अर्थवर्म हो गया, कल हमने यही पढ़ा था आपका, ठीक है। ठीक है जी बच्चों, एक इसके अंदर जानवर आता है, कल मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी, उसका नाम होता है लीच। लीच समझते हो? जोंक, जो खून चूसती है बच्चों, जोंक। बच्चों जोंक को, जोंक का जो साइंटिफिक नेम आपका होता है वो होता है फैशियोला हेपाटिका। क्योंकि मैं आपको हमेशा अपडेट करके रखती हूँ बच्चों, और मेरी कोशिश यही रहती है, कोई डाउट नहीं है। इब्राज अली जी, गुड इवनिंग बच्चे, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों देखिए फैशियोला हेपाटिका नाम था लीच का, और मैंने आपसे बोला था कि ये जो लीच होते हैं बच्चों, ये आपको पता है बच्चों जोंक क्या करता है? जोंक खून पीता है। अगर आप किसी कीचड़ वाले स्थान पर जाए तो, गुड इवनिंग नीरज जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अगर आप किसी कीड़े वाले स्थान पर जाएंगे तो वहां पर आपको बच्चों बहुत जल्दी क्या मिल जाएगा? जोंक चिपट जाएगा। जोंक करता क्या है, क्या करता है बच्चों? जोंक, जोंक आपका जो है खून पी जाता है, यानी कि उसके अंदर कुछ इस तरीके के तत्व होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी कोएगुलेंट्स। अगर वो हमारे चिपट जाता है तो बच्चों ना तो हमें कुछ महसूस होगा कि कोई जोंक हमें लिपटी हुई है, वो बच्चों उस जगह को एनेस्थीसिया दे देता है, यानी कि हमें एहसास नहीं होता कि यहाँ पर कुछ पेनफुल एक्टिविटीज चल रही है। क्लियर हो गए बच्चों? और जितने भी नए बच्चे आ जाए हैं सारे वीडियोस लाइक करेंगे और सब बच्चे शेयर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एंटी कोएगुलेंट जो होता है, मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम होता है हेपारिन। ये बच्चों 20-30 बार आज तक 7-8 सालों में ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है आपका कि लीच के अंदर या जो जोंक होती है आपकी, उसके अंदर जो खून जमने नहीं देता, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हाँ, उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो बच्चों उसका प्रोटीन का नाम है हेपारिन। क्या नाम बता रही हूं मैं? हेपारिन, ठीक है। हेपारिन जैसा हमारे, हेपारिन हमारे ह्यूमंस में मिलता है, और ऐसा ही बच्चों तत्व जो जो इसके अंदर मिलता है उसका नाम होता है हिरुदिन। क्या होता है बच्चों? हिरुदिन, ठीक है। और इसलिए बच्चों जोंक का एक और प्रजाति होती है, उसको हम लोग कहते हैं हिरुदिनेरिया। हिरुदिनेरिया, प्लीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए नाम को, हिरुदिनेरिया जोंक का नाम है, फैशियोला हेपाटिका जोंक का नाम है। फैशियोला हेपाटिका बच्चों लीवर फ्लूक होती है, ये आपकी आती है फाइलम प्लेटी हेलमिंथ में, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिसका मेंबर मैंने आपको टीनिया सोलियम बताया था। तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। हाँ ऋतु, ये तो देख के पता चलता है, अगर जानवर के चिपट जाए, मान लीजिए भैंस वैंस अगर जाती है, गांव में आपने देखा होगा कि भैंसों को निलाने के लिए हम लोग तालाब पर ले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों भैंसों के चिपट जाती है, पता नहीं चल पाता, अगर मतलब उनका जो कोई देखभाल कर गया, अगर वो देख ले तो देख ले, अदरवाइज उनको खुद महसूस नहीं हो पाता है कि जोंक चिपट गया है। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ कि जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथ मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसका एक मेंबर था फैशियोला हेपाटिका, इसको बोलते हैं लीवर की जोंक। और बच्चों ये जोंक, ये वाली जोंक नहीं है जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, वो जोंक अलग है, वो जोंक होती भी नहीं है। और बच्चों वो जानवरों के अगर मुंह के अंदर चली जाए तो वो सीधा जाकर लीवर पर चिपट जाती है। कहाँ पर जाकर चिपट जाती है बच्चों? लीवर पर चिपट जाती है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए उसको बोला जाता है लीवर फ्लूक। क्या बोला जाता है बच्चों उसको? लीवर फ्लूक। और ये वाली जो जोंक मैं आपको बता रही हूँ, इस जोंक को हम लोग कहते हैं आपका हिरुदिनेरिया। ऊपर मैंने नाम लिख दिया है हिरुदिनेरिया का, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हिरुदिनेरिया।
क्लियर हो गई बच्चों बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हाँ, डॉग्स के भी होता है, एब्सोल्युटली। डॉग्स के तो टिक्स होती है, टिक्स टिक्स वो अलग मेंबर है, टिक्स अलग है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, तभी बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है, सब कुछ गुड़गोबर नहीं करना है एक जगह जाकर। बहुत ध्यान से सुनिए और जो बता रही हूँ उसको लिखते रहिए। हिरुदिन का जब मैंने नाम बताया, हिरुदिन इज द नेम ऑफ द प्रोटीन। बच्चों ये वो प्रोटीन है जिसकी वजह से जो जब वो जो का हमारा खून पीती है तो उसके अंदर बच्चों को खून जमता नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एन एंटी कोआगुलेंट। क्या बोलते हैं इसको? रक्त को ना जमने देने वाला प्रोटीन। बात समझ में आ गई? उसके बाद आता है आपका हेपारिन। हेपारिन हमारे अंदर पाया जाता है। हेपारिन का निर्माण हमारा लीवर करता है। ये तरीके का प्रोटीन है ताकि हमारे शरीर में बच्चों जो बहुत बारीक बारीक सी ब्लड वेसल्स हैं, जो वाहिकाएं हैं बच्चों, कहीं गलती से उनके अंदर ब्लड ना जम जाए। बात समझ में आ रही है? समर्थी खून चूसने के बाद ओवरलोड होकर फटनी जाती है, वो छूट जाती है। हर्षित जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वो बच्चों छूट जाती है, और समर्थी को फटती नहीं है, वो छूट के गिर जाती है, इतनी इतनी मोटी हो जाती है। मैं आपको आज एक बात बताती हूँ बच्चों, अगर इतनी सी है ना तो वो अपने वजन का 15 गुना ब्लड सक कर सकती है। 15 गुना ब्लड सक, यानी कम से कम भी बच्चों आप ये बात मान के चलिए कि वो 1 लीटर तक आपके बॉडी से ब्लड को सक कर सकती है, जो जोक होती है, ठीक है। और अगर एक आदमी के बॉडी पर 10-15 लीचेस चिपक जाएं, ये आपकी जोक चिपक जाएं, तो बच्चों उसको 3 घंटे के अंदर वो मार सकती है। कितने घंटे के अंदर? 3 घंटे के। क्यों? आप देखो 15 जोंक अगर 3 घंटे तक खून चूसेंगी तो बॉडी का बच्चों सारा रक्त, सारा जो ब्लड है वो बाहर चला जाएगा, और उसकी 2.5 से मतलब हो सकता है 3 घंटे से भी पहले, विदिन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चों उसकी मृत्यु हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो बहुत खतरनाक है। और सबसे सबसे जुनैद जी नमस्कार। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चों पता नहीं चल पाता, कोई का जोक अगर चिपक गई, देख लिया आंखों से, देख लिया तो दिख गया, अगर नहीं दिखा तो समझ जाइए कि वो नहीं पता चल रहा है। यस एब्सोल्युटली। चलिए तो ये बच्चों एनेलिडा था आपका, और इसका जो सबसे अच्छा मेंबर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो किसानों का मित्र होता है, ठीक है। और किसानों का जो मित्र होता है आपका, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। उसके बाद बच्चों कल मैंने आपको मोलुस्का भी पढ़ा दिया था, कि मैंने आपसे बोला था कि मोलुस्का आपके गार्डन में भी मिलता है, और आपका हवा में भी मिलता है, आपका मिट्टी में भी मिलता है, सब जगह बच्चों ये मिलता है, ठीक है। चलिए अच्छा जी, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बच्चों, सबसे पहले इस शब्द आर्थ्रोपोडा का आप सब मतलब समझिए बच्चों। आर्था, आर्था वर्ड का मतलब होता है जॉइंट, यानी कि जुड़ा हुआ, ठीक है। और पोडा का मतलब हो गया लेग्स, यानी के जॉइंट लेग्स, यानी के जिनके पास लिम्स आ गए। बच्चों अभी तक आपने देखा कि हम अगर इवोल्यूशन क्रोनोलॉजिकली चल रहे थे, किसानों का फ्रेंड किस तरह से है, क्योंकि जुनैद जी आपका जो केचुआ होता है वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वो मिट्टी को पोरस रखता है, जिससे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और उसकी जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की वो विकसित होती हैं। दैट्स व्हाई इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बोला जाता है, अर्थवर्म को। और उसके अलावा बच्चों जो उनका फीकल मटेरियल निकलता है वो एज अ कंपोस्ट, यानी के खाद की तरह कार्य करता है। समझ आ गई है? अच्छा आरिफ थैंक यू। अच्छा आज तो वो भी आया, दास्तान भी आया आज, जुनैद भी है, इब्राज भी है, सारे बच्चे नए नए जुड़े, सारे बच्चे लाइक करेंगे वीडियो, चलो सही है, अच्छा है, वेरी गुड। चलिए जी, तो बच्चों वही आपको बता रही थी, क्लियर है? हाँ, सॉइल क्वालिटी को बढ़ा रहा है ऑन द टोटल। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ा, बच्चों मैंने आपसे बोला कि सारी दुनिया एक तरफ और ये वाला जगत एक तरफ, यानी कि जो आर्थ्रोपोडा फैमिली है आपका ना बच्चों, को पहला ऐसा फैमिली बना इवोल्यूशन में जिसके पास लेग्स थे, जिसके पास बच्चों क्या थे, जिसके पास पैर थे, और पैरों की वजह से ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। और बच्चों इस समय अगर आप पूरा नॉन कॉर्डेटा का मैं अगर एक चार्ट बना दूं, तो बच्चों ये इतना जो एरिया है ना, मतलब अगर ये पूरा नॉन कॉर्डेटा का ग्राफ है तो ये कवर्ड एरिया आप समझ लीजिए कि 3/4 जितने नॉन कॉर्डेटा स्पीशीज धरती पे है, तो सबसे ज्यादा आपको आर्थ्रोपोडा, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, नॉन कॉर्डेटा फाइलम ऑन अर्थ, सबसे बड़ा बच्चों फाइलम है ये, लिख लीजिए इस पॉइंट को, लिख लीजिए इस पॉइंट को, सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा फाइलम, द लार्जेस्ट नॉन कॉर्डेटा फाइलम ऑन अर्थ। अच्छा जी, अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ, हाँ ये हर्षित, ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली है दुनिया में, हर जगह, हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, वहां पर आपको इस प्रजाति के जो जीव है
वो मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब समझिए इसमें क्या क्या चीज आता है। सबसे पहले बच्चों बहुत ही साधारण शब्दों में, ठीक है, साधारण शब्दों में इसको बोला जाता है इंसेक्ट यानी कि कीट, जो अभी आप समर्थी बोल रहे थे जो टिक्स हो जाती हैं कुत्तों के या डॉग्स के, तो वो इस प्रजाति में आती है ना कि पिछली प्रजाति में। तो बहुत क्लियरली आपको समझ के चलना है कि कौन से ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद बच्चों आता है आपका स्पाइडर, स्पाइडर में आ गया मकड़ी, उसके बाद आ गया स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में आ गया बिच्छू, उसके बाद आ गया सेल्फिश। ठीक है, अब देखो सेल्फिश आ गया, शेल्फिश, ये शेल्फिश वो सेल्फिश नहीं है स्वार्थी वाला, ये सेल्फिश एक कीड़ा है और ये कोई फिश नहीं होता है। मैंने आपसे 50 बार बोला है कि पेपर में बच्चे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा फिश है कौन सा फिश नहीं है। सारिका, हेलो, गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अभी क्या बता रही थी मैं आपसे, अभी मैं आपसे बता रही थी कि शेलफिश कोई फिश नहीं है बच्चों। शेलफिश एक बड़ा जहरीला सा कीड़ा होता है और इसका पॉइजनिंग भी हो जाता है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा फैमिली का मेंबर है। यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यस क्रैब को ही कहते हैं सेंटीपीड। सेंटीपीड समझते हो, कान खजूरा, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं बच्चों की जो कान खजूरा होता है वो आपका अर्थवर्म वाली फैमिली में आता है, बल्कि मैं क्लियरली बार बार बताती हूँ कि भैया अर्थवर्म वाली फैमिली में किसी की टांगे नहीं है। टांगे कौन सी फैमिली में आई बच्चों? टांगे कौन सी फैमिली में आई? टांगे आई आपकी आर्थ्रोपोडा फैमिली में। कौन सी फैमिली में? आर्थ्रोपोडा फैमिली में। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा फैमिली में टांगे आई, तो इसीलिए जो टांगों वाले जो कीड़े बने यानी कि कान खजूरा या मिलीपीड बना या सेंटीपीड बना, जिसके 1000 पैर होते हैं, जिसके 100 पैर होते हैं, जिसके 1000 पैर होते हैं, तो बच्चों देखिए है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटीपीड या मिलीपीड बोलते हैं। तो वो कौन सी फैमिली के मेंबर हुए? आर्थ्रोपोडा फैमिली के मेंबर हुए। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ उस ग्रुप में, इसके पास बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है बच्चों? बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में बच्चों इंटरनल स्केलेटन होता है, हमारे पास रीढ़ की हड्डी का ढांचा होता है, तो बच्चों यहाँ पर एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है। और मजेदार बात यह है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आर्थ्रोपोडा फैमिली का जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ होता है। तो बच्चों जो एक्सोस्केलेटन आपका होता है वो बना हुआ होता है, मैं 50 बार आपको पहले बता चुकी हूँ, काइटिन। काइटिन, CHITIN, काइटिन। बता चुकी हूँ कि नहीं बता चुकी हूँ? पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था पिछले महीने, तो उसके अंदर मैंने आपको काइटिन का पूरा बताया था स्ट्रक्चर की कहाँ मिलता है ये। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा बच्चों इस ग्रुप का मैं आपको खासियत बताती हूँ, ये लोग फेरोमोन्स छोड़ते हैं। फेरोमोन्स, अब ये फेरोमोन्स क्या होते हैं बच्चों? फेरोमोन्स कहा जाता है एक विशिष्ट तरीके का गंध जो फीमेल निकालती है मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या मेल निकालते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाईज हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपके और कीड़े कोई हो गए, तो वो सारे बच्चों फेरोमोन्स रिलीज करते हैं जिससे उन्हें मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फेरोमोन्स। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट होता है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का मतलब होता है अंडा अंडे के अंदर 3-4 तरीके से विकसित होना, है ना, 3-4 तरीके से विकसित होना। अंकित जी आप मेरी क्लास में से जा सकते हैं, ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ बहुत सही पढ़ा रही हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज यहाँ से जाए। ठीक है, जिस भी टीचर ने आपको बोला है ये बोलने के लिए उनको बता दीजिएगा मेरा जवाब, यू कैन, आप यहाँ से जा सकते हैं मेरी क्लास से। ठीक है, आरिफ इनको ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। चलिए, तो पता नहीं बच्चे बेइज्जती कराने क्यों आते हैं यहाँ पर। हाँ, मॉल्टिंग, मॉल्टिंग, ठीक है, तो मॉल्टिंग जो होता है बच्चों, ये मॉल्टिंग का मतलब होता है कि इसमें जो है आपका वो अलग अलग, जैसे अंडा बना, अंडे से बच्चों उसके बाद फिर क्या बना आपका, अंडे से बना आपका लार्वा, प्यूपा, और फिर वो फाइनली एडल्ट बन गया। तो बच्चों जब वो अलग अलग वेशभूषा में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को, पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है फाइनल। हाँ रितु जी, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन। तो बच्चों ये लास्ट फाइलम है आपके ग्रुप का। लास्ट फाइलम का मतलब हो गया, ठीक है, फाइलम का मतलब हो गया आपका लास्ट वाला, इकाइना। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, इसको ब्लॉक मार दो यार, सब ये बकवास करने आया है यहाँ पे, इसको भेजा है किसी ने, ठीक है, हाँ ब्लॉक करिए इसको फटाफट, मुझे ऐसे गंदे लोग यहाँ पे नहीं चाहिए, इनका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चे बर्बाद है और बर्बाद ही रहेंगे। ठीक है, यस,
इकाइना का मतलब होता है बच्चों स्पाइनी, और डर्माटा का मतलब होता है स्किन, ठीक है, स्पाइनी स्किन। तो बच्चों ये जो पूरा फैमिली होता है फाइलम, हाँ, अब ये जो पूरा फाइलम होता है ये बच्चों उसके पूरी त्वचा पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, पूरी त्वचा पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये अंकित अगर तुम अभी भी मेरी बात सुन रहे हो तो मैं तुम्हें 2 मिनट में तुम्हारे डिटेल्स निकलवा के और आईटी को, आईटी वालों को मैं बता सकती हूँ और तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो सकता है यहाँ पर, बात समझ गए। डिस्टर्ब करने ना आया कीजिए हमारी क्लास में, आपको नहीं पढ़ना है तो। स्पाइनी स्किन, ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोला जाता है, त्वचा, त्वचा के ऊपर जो कांटे होते हैं, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी। अब बच्चों इसका बेस्ट मेंबर है, मैं आपको बताती हूँ, इकाइनोडर्माटा जो होता है ना बच्चों, ये अकेला ऐसा पूरा फाइलम है। आपको याद होगा कल रात को मैंने बायो का एमसीक्यू सेशन कराया था ना अकेडमी पर, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके पास ब्रेन तो होता नहीं है लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा बच्चों विकसित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा विकसित होता है, बात समझ में आ गई। तो बच्चों मैंने आपसे बोला था कि बच्चों उसके अंदर आता है आपका स्टारफिश यानी के तारा मछली। बच्चों देखिए तारा मछली जो होती है ना उसके पास कोई सेंट्रलाइज ब्रेन नहीं होता है, सही कह रहे हैं आरिफ, ये डिस्टर्ब करने आते हैं दूसरों को बस, ठीक है, हाँ इनका कुछ हो ही नहीं सकता है, ये लोग बर्बाद है जिंदगी में और बर्बाद रहेंगे। और आपको पता है मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे चैनल पर कुछ जो है बच्चों लार्ज यानी कि बड़ी बड़ी उम्र के लोग आ जाते हैं 30-40 साल के, जिनका कहीं आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो जिंदगी में धक्के खा रहे हैं आज तक, और फिर भी उनको ये पता नहीं चलता कि अरे यार हमारी कमी है उस पर ध्यान दें, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है आप क्लास में रहें, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्लास से चले जाए, आपको किसी ने बुलाया नहीं है, ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों स्पाइनी स्किन की बात हो रही है, स्टारफिश, बच्चों उसका सबसे जबरदस्त पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है आपका, कि सांस लेने का इनका जो ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनका जो श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग उसको क्या बोलते हैं। बच्चों उसकी डिटेल मैं आपको मंडे को बताऊंगी, क्योंकि आज का जो हमारा डिटेल है ना, आज का मैं आपको बताऊंगी पूरा आर्थोपोडा के बारे में, कि आर्थोपोडा में कौन कौन लोग आते हैं, क्योंकि बच्चों आपके जितने भी पेपर 7-8 साल से आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका आर्थोपोडा फैमिली से आता है। कौन सी फैमिली से आता है, आर्थोपोडा फैमिली से, ठीक है जी। तो ऑर्गन श्वसन अंग इसका बच्चों होता है ट्यूब फीट, ये एक जबरदस्त चीज है बच्चों, ये आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, कांटे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इसके कांटे होते हैं ट्यूब फीट, इसको हम बोलते हैं, ये देखिए ये ऐसा होता है आपका तारा मछली। तो बच्चों उसका पैरों के नीचे ही ना, पैरों के नीचे जाले लगे होते हैं और उसी को हम बोलते हैं ट्यूब फीट। बच्चों ये भी पानी में तैरती रहती है ना, इकाइनोडर्माटा बच्चों 100% समुद्री जीव है, ये आपको कभी भी जो है ताजे पानी में नहीं दिखेगा, इसके जीव कभी भी आपको ऊपर तैरते हुए नहीं दिखेंगे बच्चों, बिल्कुल लास्ट में एकदम बॉटम में होते हैं ये जीव, कभी भी आपको ऊपर नहीं दिखेंगे, बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया है, हाँ। चलिए गुड इवनिंग फरहान, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बच्चों मैं आपको बता रही थी क्या क्या उनका नाम बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि ट्यूब फिट। तो बच्चों ये देखिए ये सब ये हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, अगर कभी आप डाइविंग करने जाएं या आपने कभी पढ़ा होगा डाइवर्स के बारे में, तो बच्चों ये बिल्कुल बॉटम ड्वेलर्स होते हैं यानी कि बिल्कुल बेंथिक जोन में होते हैं एकदम नीचे, हाँ जी। और इनके सांस लेने के अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब फिट। प्लीज इसको अपने पास कहीं नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है मैक्सिमम, हाँ जी हाँ जी हाँ। ये पानी में रित्तु बिल्कुल सी वाटर में समुद्री जीव होते हैं ये, एब्सोल्युटली आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, बाकी सारे जीव आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे लेकिन ये वाला जो जीव है आपका, ये वाला जीव आपका केवल खारे पानी में, खारा पानी भी मतलब बेसिकली आपका जो मैराइन वाटर होता है, जो आपको समुद्री पानी होता है वहीं पर ये सरवाइव करेंगे, ठीक है बच्चों। और ये बच्चों बहुत जबरदस्त शिकारी होते हैं, ठीक है, ये कोई हर्बीवोर्स नहीं होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका स्टारफिश, बच्चों स्टारफिश का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एस्टीरियास। क्या होता है स्टारफिश का नाम, एस्टीरियास, और इसको बच्चों सी अर्चिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी अर्चिन। ये दो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बच्चों मेंबर्स हैं, क्लियर हो गया। और बच्चों एक मैं बात आपको बताती हूँ कि इकाइनोडर्माटा जो पूरी फैमिली है ना बच्चों, इसके अंदर एक खास बात होती है, इसका जो नर्वस का कोऑर्डिनेशन होता है, ये देखिए डायग्राम में देखिए साइड में बिल्कुल बीच में होता है। अगर आप इसकी कोई टांग काट देंगे ना, मान लीजिए आपने इसकी आपकी टांगे इसकी अलग कर दी, तो भी बच्चों सर्वाइव कर जाएगा, ये टांगों को दोबारा उगा लेगा,
क्या कर लेगा, टैमू को दोबारा उगा लेगा। बात समझ में आ रही? और ये जो बीच में आता है, बीच में भी अगर इसका बीच यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है अगर वो सुरक्षित है तो बच्चों ये सर्वाइव कर जाएगा, एनी हाउ ये सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको बच्चों थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ आर्थ्रोपोडा के बारे में। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का बच्चों एक सबसे पहले आप एक बॉडी समझिए कि आर्थ्रोपोडा में क्या क्या चीज आपको मिलती है। बच्चों देखिए, आर्थ्रोपोडा में एक सिर होता है, एक धड़ होता है, ठीक है, और एक आपका पेट होता है और एक धड़ होता है। ये होता है बच्चों यानी कि 1 2 3। तो पहला हिस्सा होता है हेड, दूसरा हिस्सा होता है एब्डोमेन यानी के पेट, ठीक है, और तीसरा हिस्सा होता है छाती या थोरेसिक चैम्बर जिसको हम लोग थोरेक्स भी बोलते हैं। क्लियर है? अब हेड जो होता है, हेड के ऊपर बच्चों टेंटिकल्स होते हैं, आई होती है, आंखें होती हैं, यहाँ पर सकर्स या काटने के लिए बच्चों कुछ पैर होते हैं, क्लॉज होते हैं, और बच्चों उनकी टांगे होती हैं। तो ये बॉडी स्कीम है आपकी किसकी, आर्थ्रोपोडा की। किसकी बॉडी स्कीम है बच्चों, आर्थ्रोपोडा की बॉडी स्कीम मैंने आपको बता दी। इसके अंदर तीन चीजें आपकी होती हैं, हेड यानी के सर, पेट यानी के एब्डोमेन, और थोरेक्स यानी के छाती। ठीक है, तो बच्चों ये इनका पूरा स्कीम होता है। ओके, इतना समझ आया, अब आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको बता दी हेड थोरेक्स एब्डोमेन तीन मेजर पार्ट होते हैं बच्चों इनके अंदर। और बच्चों देखिए इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनके पास खाने के लिए यानी के फीडिंग, सेंस करने के लिए, देखिए मैं मार्क आउट करती हूँ, फीडिंग सेंस यानी कि इधर उधर के अपने जो टेंटिकल जैसे से करते हैं तो बच्चों उसके द्वारा ये सेंस करते हैं। ठीक है, डिफेंस हो गए यानी कि काट भी लेंगे, जैसे कि आप ततैये को अगर छेड़िए या आप मधुमक्खी को अगर छेड़िए तो फौरन आपको वो डंक मार देगी। ठीक है, और बच्चों चलते तो है ही, ऑब्वियसली फ्लाई करते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, जंप करते हैं, तो सारी चीजें ये लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पूरा आर्थ्रोपोडा फैमिली है ना बच्चों, उसका ये जो टेंटिकल्स आप ऐसे से जो चलाते हैं, आपने कभी कॉकरोच को देखा होगा तो कॉकरोच अपना टेंटिकल ऐसे से चलाता रहता है। आपको पता है बच्चों कॉकरोच होता है ना वो अपने टेंटिकल से टेस्ट करता है, हाँ टेस्ट करता है, वो ऐसे से खाना टेस्ट करने की कोशिश करता है कि मेरे मतलब का खाना कहाँ पर है। तो इट इज वेरी अम्यूजिंग थिंग कि वो टेंटिकल से डायरेक्शन नहीं लेता, वो टेंटिकल से क्या करता है, वो टेंटिकल से खाना ढूंढता है, उसको टेस्ट करता है। और बच्चों जो उसके पैर होते हैं ना, पैरों से वो सेंसेस करता है कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, मैं कहाँ बैठा हूँ, कोई प्रीडेटर तो नहीं है, तो पैरों से सेंस करता है और टेंटिकल से टेस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? यस, एंटीने की तरह। और उसकी आंखें यहाँ लगी होती है, आपने सबने कॉकरोच देखा होगा अपनी लाइफ में। और काइटिन वाला पॉइंट मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि काइटिन कोट के बने होते हैं पूरे। और बच्चों मोल्टिंग का मतलब होता है कि समय समय पर अपनी बॉडी की जो पूरी कवरिंग है ना उसको उतारते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सांप केचुली उतारता है, केचुली, तो बच्चों केचुली उतारना, अंडे से प्यूपा कन्वर्जन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं, MOLTING। तो मोल्टिंग का मतलब हो गया बच्चों कि वो जो है अपने पूरी त्वचा की केचुली उतार कर और दूसरे उसमें प्रवेश कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब बच्चों बहुत अच्छी बात आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों इनका जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है कंप्लीट होता है, यानी कि इनका माउथ होता है, चबाने के लिए इनके पास जबड़ा होता है, जबड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल, हमारा भी होता है मैंडिबल और मैक्सिबल, ऊपरी जबड़े को हम लोग बोलते हैं मैक्सिबल और निचले जबड़े को, ये जो जबड़ा हमारा हिलता है इसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, और बच्चों इनके पास मैंडिबल होता है, इनके पास चूसने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मच्छर है तो बच्चों मच्छर के पास दांत तो होते नहीं है, तो मच्छर चाहे मेल हो चाहे मच्छर फीमेल हो या आपकी हनी भी हो, तो बच्चों कुछ भी होता है खाता कैसे, कॉकरोच उससे खाता है, मैंडिबल से, मैंडिबल से खाता है, नीचे से ऐसे चाप चाप के खाता है, हाँ चाप चाप के खाता है वो प्रोबॉस्किस। बच्चों प्रोबॉस्किस होता है थूथनी, यानी कि जिससे जो मच्छर है या आपका जो हनी भी है वो पराग चूसती है, हाँ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, पराग चूसती है या फिर आपका ब्लड चूसा जाता है, तो वो किससे चूसा जाता है, प्रोबॉस्किस, प्रोबॉस्किस कहते हैं लंबी थूथन। और बच्चों आपको जान के बड़ा हैरानी होगा कि इनके पास हार्ट भी होता है और नर्वस सिस्टम भी होता है, हार्ट ऊपर होता है और नर्वस सिस्टम नीचे होता है। मैं आपको एक बॉडी लैंग्वेज बताती हूँ बच्चों, अभी एक मिनट रुकिए जरा, आईटी का न्यू पेज आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए बच्चों ये आपका कॉकरोच है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो बच्चों कॉकरोच के पास प्रॉपर हार्ट होता है,
इसके पास सिंगल हार्ट होता है, बहुत ध्यान से जरा सुनिएगा, इसके पास सिंगल हृदय होता है, लेकिन इसका जो हृदय होता है ना बच्चों, एक ही हृदय होता है जिसमें 13 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 13 चैम्बर। सिंगल हार्ट 13 चैम्बर। और अथवा में मैंने आपको क्या बताया था, 4 pairs of heart। वो किसमें बताया था मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहां से बच्चों, ठीक है। 4 pairs of heart, दिल के 4 जोड़े, ठीक है, यानी कि 2 जोड़े आगे और 2 जोड़े पीछे। तो ऐसे ही बच्चों कॉकरोच या जितने भी कीड़े होते हैं उनका जो बॉडी स्कीम होता है वो क्या होता है, सिंगल हार्ट होता है, ऊपर की तरफ हार्ट होता है, नीचे की तरफ नर्व उनके बॉडी में बिछी होती है जिससे वो सब कुछ सेंस कर सकते हैं। वो जहां बैठते हैं तो पैरों से बच्चों अपना सेंस करते हैं, उनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना वो पैरों के नीचे पैड्स होते हैं, यहाँ पर पैड्स होते हैं बच्चों, और वो पैड्स से वो सेंस करते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो कितना, कौन सा हार्ट होता है इसके पास? इसके पास होता है सिंगल हार्ट विद 13 चैम्बर, मतलब एक ही हार्ट होता है जिसके पास 13 खाने होते हैं आगे से लेके और बच्चों पीछे तक 13 खाने जुड़े होते हैं। और बच्चों मैं आपको आगे बताऊंगी, इसमें साइडों में ऐसे 13 छेद होते हैं जिसमें से हवा अंदर पास होती रहती है, ऐसे करके। आप सामने डायग्राम में देखिए, मैं ब्लू निशान लगा रही हूँ, तो ब्लू निशान में बच्चों ऐसे साइडों में 6 होते हैं जिसमें से बच्चों ये अंदर सेंट्रल कैविटी तक हवा जाती है, यानी कि ऑक्सीजन जाती है, और ये ऑक्सीजन आपका यहाँ पे घुल जाता है, ठीक है। और बच्चों याद रखिए कि इस प्रजाति के जितने भी मेंबर्स हैं उनका ब्लड तो होता है, लेकिन ब्लड कैसा होता है, वाई पिछले साल यूपीपीएससी का 2019 का पेपर उठा के देख लीजिए, आप उसमें क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से कौन से जानवर का रक्त सफेद होता है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि मैं फालतू का पढ़ा रही हूँ, वो समझ लें कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आपको मुफ्त में अगर पढ़ाई जा रही है इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि वो किसी काम की नहीं है। यही अगर आप 70,000 रुपए देके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, आप उसको डेडिकेटेडली पढ़ोगे। लेकिन अगर यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको लग रहा है कि ये एक बेकार की इन्फॉर्मेशन है। नो, तो ब्लड कैसा होता है बच्चों, व्हाइट होता है। अर्थवर्म का ब्लड कैसा बताया था मैंने आपको? रेड बताया था। रेड क्यों बताया था? क्योंकि उसके पास आपका क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, इसको आप नोट करते चलिए, ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक बच्चों किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ ले। अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और अपने अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दे ताकि सारे लोग इन वीडियोस को देख पाए जी। कोई डाउट यहां तक? मैं 2 मिनट रुकी हूँ, कोई डाउट है बच्चों? कॉकरोच का जो ब्लड होता है व्हाइट होता है, याद रखिए, पिगमेंट नहीं होता है उसके अंदर, चिपचिपा व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो उसकी पूरी कैविटी के अंदर, पूरी थोरैसिक यानी कि जो छाती होती है, पूरी छाती और पेट तक इसके वो लिक्विड भरा होता है जिसमें जब हवा पास होती है तो ऑक्सीजन कैप्चर हो जाता है। हाँ, फरहान एक आया था अभी बोलने के लिए, एक आया था अभी यहाँ पर, आप आए ना उससे पहले आया था एक, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। स्नेक के बहुत सारे सेंसेस होते हैं अर्षदीप, उसके ऊपर एक अलग क्लास करूंगी मैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा, क्लास रेप्टिलिया पढ़ाऊंगी पूरा उसके अंदर, ठीक है। यस, एब्सोल्युटली। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए, जो जो मैं आपको पॉइंट्स मार्कआउट करा रही हूँ सारे बच्चों ने देख लिया, वो पॉइंट्स कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलती हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आपके सामने ला रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जितना भी आर्थ्रोपोडा का पूरे जितने भी मेंबर्स है ना, सबके पास मस्कुलर सिस्टम अवेलेबल होता है। कौन सा सिस्टम अवेलेबल होता है? मस्कुलर, यानी कि छोटी छोटी बच्चों मसल्स होती हैं, मांसपेशी होती हैं, जो उनको चलने में, उड़ने में, जंप लगाने में बच्चों मदद करती हैं, ठीक है। और ये उनको मसल्स में एनर्जी कहाँ से मिलता है बच्चों? इनके पास ब्लड प्रेशर, जो ब्लड फ्लो अंदर करता जा रहा है, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको समझाया, तो उससे एक प्रेशर हाइड्रोलिक क्रिएट होता है, उस हाइड्रोलिक से उनको पावर मिलता है और उछल उछल के इधर उधर आपका मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, सांस कैसे लेते हैं बच्चों, प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिए। इनके पास पहले तो गिल्स होते हैं, नंबर वन, ट्रैकिया होता है बच्चों, इनके रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं, इनके रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? ट्रैकियल
तंत्र, ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैकिया का मतलब वही हुआ बच्चों की साइडों से हवा अंदर जा रही है और हवा के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, उसके ब्लड में घुल रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रैकियल सिस्टम। बच्चों कौन से में लंग्स होते हैं, कौन से में ट्रैकिया होता है? तो बच्चों कॉकरोच का याद रखिए, कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है कॉकरोच में? ट्रैकियल। ठीक है बच्चों, इसमें जो आपका स्कॉर्पियो होता है यानी कि जो आपका बिच्छू होता है उसके बारे में 50 बार क्वेश्चन आ चुका है कि बिच्छू सांस कैसे लेता है। तो बच्चों बिच्छू में सांस लेने के लिए होता है ब्लू बुक लंग्स। प्लीज इसको नोट कर लेंगे पेपर में, कई बार मैचिंग के लिए बच्चों ये ऑर्गन्स आपकी आ जाती है कि कौन सा जीव कैसे सांस ले रहा है। तो आपको कॉकरोच दे देगा और आपको मोलस्का दे देगा, एक आपको दे देगा टीनिया सोलियम लिखकर, एक आपको दे देगा स्कॉर्पियन। फिर आपको क्या करना है, सबको मैचिंग करके और सही वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों बुकलम्स मैंने किसके बताए आपको? स्कॉर्पियन यानी के बिच्छू। ठीक है जी, क्लियर हो गई है बच्चों बात? हाँ, ग्रास हॉपर में ट्रैकियल सिस्टम होता है। यस बिल्कुल सही, ग्रास हॉपर में ट्रैकियल सिस्टम होता है। केवल बच्चों स्कॉर्पियंस होते हैं, बिच्छू होते हैं जिनके पास बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप पुराने पेपर्स अगर उठा के देखेंगे तो आपको 100% इस पूरे फाइलम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 60-70-80 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे, आप ये बात मान के चलिए। ठीक है जी बच्चों, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। बच्चों इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी के ब्लड सिस्टम, ठीक है, वो कैसा होता है? वो होता है ओपन। बच्चों ब्लड सिस्टम दो तरीके के होते हैं, मैं आपको जब अभी नेक्स्ट वीक हम लोग क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। मानव के बारे में सारी चीजें हम लोग अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी बात मान के चलिए कि जो आपका हीमोलिम्फ होता है, इस हीमा का मतलब होता है ब्लड और लिम्फ का मतलब होता है यानी कि इसके पास व्हाइट ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है बच्चों? सफेद ब्लड होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? इसके पास रेड ब्लड नहीं होता है। अच्छा जी, अब एग्जांपल्स तो मैंने सबको बता दिए बच्चों। इसके अंदर आते हैं आपके टिक्स यानी के कीड़े, स्पाइडर बच्चों फैमिली। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो मकड़ी होती है उसकी क्लास का नाम क्या है, वो कौन से वर्ग से बिलोंग करती है? तो बच्चों देख लीजिए, मकड़ी जो है आपकी अरैकेनिडा फैमिली, अरैका का मतलब होता है बहुत सारे पैर वाली, तो अरैकेनिडा। और बच्चों द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स बोला जाता है अरैकियोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स बोला जाता है अरैकियोलॉजी, तो वहीं से नाम पड़ा अरैकिडा। और अरैकिडा के अंदर आते हैं आपके बिच्छू, आपके जू जो सिर में जू पड़ जाती है, या जो जानवरों के जो टिक्स हो जाते हैं, जो माइट्स हो जाते हैं, उसके अलावा बच्चों जो खटमल हो जाता है, ठीक है, ये सब आपका किस में आता है? अरैकेनिडा क्लास में आता है। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है, एब्सोल्युटली। हाँ एब्सोल्युटली समरदीप, वो मैं MCQ सेशन में करा देती हूँ सारे क्वेश्चन, सब कुछ करा देती हूँ उसके अंदर। हाँ बाकी आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, उसके अलावा क्रैब यानी के केकड़ा, लॉबस्टर, ठीक है जी, ये सब बच्चों इसी फैमिली के मेंबर हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके अलावा बच्चों कान खजूरा, आपका हजार खजूरा हो गया, मतलब कि एब्सोल्युटली खटमल भी, हाँ जी खटमल भी इसी में ही आता है। और उसके अलावा बच्चों इंसेक्टा फैमिली में आते कीड़े, जैसे कि आपका कॉकरोच, आपका तिलचट्टा, आपका ग्रास हॉपर, आपका मच्छर, मक्खी, बटरफ्लाई। बात समझ में आ गई? कौन कौन से बताए मैंने? कॉकरोच, ग्रास हॉपर, लॉकस्ट, आपका मच्छर, मक्खी, बटरफ्लाई, बीटल। बीटल होती है बच्चों जो आपके दालों में पड़ जाती है, जिसको आप सूढ़ी बोलते हो, ठीक है, बीटल। और उसके अलावा बच्चों एक आपका डॉटेड कलर का एक आपने कीड़ा देखा होगा अक्सर आपके गार्डन में होता है, लाल पे ब्लैक उसके डॉट्स होते हैं, लेडी बर्ड कहते हैं उसको। देखा है कभी बच्चों बैठा हुआ लेडी बर्ड? तो लेडी बर्ड आपका क्या है? लेडी बर्ड एक कीड़ा है, ये अक्सर आपने बच्चों देखो मैं सामने डायग्राम ना, ऐसा कीड़ा आपको अपने कभी भी आपको वहां मिल जाएगा अपने गार्डन में बैठा हुआ लेडी बर्ड। तो बच्चों ये भी कौन सी फैमिली में आता है? ये भी आपका आता है इंसेक्टा फैमिली के अंदर। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई डाउट? इसमें मेजर बच्चों 2-3 चीजें मैं आपको हमेशा हाईलाइट कर रही हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर पूछा जा रहा, ठीक है जी। तो केकड़ा हो गया, लॉबस्टर हो गया आपका, क्रैब हो गया, उसके अलावा आपका कान खजूरा हो गया, आपका बच्चों शिलोपोडा, शिलो का मतलब सिंगल पेयर, डिप्ला का मतलब एक में डबल पेयर, डबल
डबल ऐसे पैर निकलेंगे उसके डिप्लो में, और शिलो में एक सिंगल पैर निकलेगा ऐसे सिंगल पैर। तो डिप्लोपोडा हो गया, पोडा मतलब पैर और डिप्ला मतलब डबल, यानी कि एक धड़ में दो पैर, एक धड़ में दो दो जोड़ी। ठीक है, तो उस तरीके से बच्चों को डिप्ला पोडा हो गया। हेक्सापोडा, हेक्सा मतलब बच्चों जितने भी कीड़े हैं ना, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं या कॉकरोच के कितने लिम्स होते हैं, तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपको बहुत तंग करते हैं। तो बच्चों जितने भी कीड़े हैं ना आपके, हाँ जितने भी कीड़े हैं बच्चों आपके, तो वो कौन से फैमिली में आते हैं? हेक्सापोडा। हेक्सापोडा मतलब छह पैरों वाले, हेक्सापोडा मतलब छह पैरों वाले। और बच्चों उसके अलावा फिर आता है आपका क्रस्टेशिया। क्रस्टेशियंस जो होते हैं बच्चों वो एब्सोल्युटली पानी में रहते हैं, वो जमीन पे नहीं रह सकते, थोड़ी बहुत देखो जमीन पे आते हैं, जिसके अंदर बच्चों आपका आता है, मैं बता देती हूँ, झींगा मछली बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि प्रॉन कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो बच्चों प्रॉन आता है आपका, प्रॉन, प्रॉन को हम हिंदी में कहते हैं झींगा मछली, और बच्चों गोवा में इसको बहुत शौक से खाया जाता है, इट इज अ सी फूड। इसके बच्चे को, प्रॉन के बच्चे को हम लोग बोलते हैं श्रिम्प। हमारे केरला में भी या साउथ में बहुत खाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा की तरफ बहुत कंज्यूम किया जाता है प्रॉन, इसको बच्चों झींगा मछली, लेकिन ये मछली नहीं होता है, ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? ये आर्थ्रोपोडा फैमिली का मेंबर है। ठीक है जी, क्रोकोडाइल ये कोई है यार, समझ दी, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल है, इसमें कहां ले आए क्रोकोडाइल को? क्रोकोडाइल इसमें कहां से आ गया? पढ़ाया नहीं था क्रोकोडाइल कहां आता है? सांप, क्रोकोडाइल सब पढ़ाया मैंने, तो प्रॉन्स आपके कहां आ गए बच्चों? झींगा मछली हो गया। ठीक है, हाँ हर्षित जी एब्सोल्युटली क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, मतलब 100% आएगा क्वेश्चन, चाहे आप यूपीएससी का पेपर देने जाओ या यूपीपीएससी का या स्टेट एग्जामिनेशन आरओ का, यूपीएसआई का, मतलब आप दुनिया जहान के पेपर दे लीजिए, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, लॉबस्टर क्रैब हो गया बच्चों, लॉबस्टर हो गया, केकड़ा क्रैब हो गया, केकड़ा और श्रिम्प हो गया, वही प्रॉन का बच्चा। अच्छा बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जो अक्सर यहाँ से आया पूछा जाता है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है सिल्वर फिश क्या है? सिल्वर फिश चांदी की मछली, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। ठीक है, तो बच्चों याद रखिए सिल्वर फिश इंसेक्ट है और ये आर्थ्रोपोडा में आता है, हेक्सापोडा होता है, यानी कि इसके छह पैर होते हैं, हेक्सापोडा, हेक्सापोडा होता है सिल्वर फिश, इसको नोट कर लीजिए, ये अक्सर बहुत बार पेपर में आ चुका है कि निम्न में से अमंग द फॉलोइंग कौन सी मछली नहीं है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो सिल्वर फिश किसके अंदर आता है बच्चों? कीड़े के अंदर आता है, प्रॉपर कीड़ा होता है ये, नाम से मछली है लेकिन है कीड़ा। अच्छा, आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा आपको केकड़ों का, ये बच्चों अलग अलग तरीके के केकड़े हैं, देखिए ये है आपका लॉबस्टर, ये है आपका क्रैब, केकड़ा, ये बच्चों अपने हाथों, इसके जो ये जो क्लॉज होते हैं ना, ये बहुत शार्प होते हैं और ये किसी की भी उंगली काट सकते हैं, जस्ट लाइक अ नट कटर। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्रैब होता है, केकड़ा बोलते हैं उसको, अक्सर कैंसर के लिए इसी का निशान लगाया जाता है क्रैब का। ठीक है, कैंसर, एंटी कैंसर इसी को लगाया जाता है, कैंसेरियन जो होते हैं उनमें भी आपने राशि में देखा होगा यही निशान लगा रहता है। ट्यूना फिश फिश होती है, ट्यूना फिश फिश होती है, काटला काटला फिश होती है, रोहू लोबिता फिश होती है, गोल्ड फिश फिश होती है, डॉग फिश फिश होती है, डॉग फिश को स्कॉर्पियो, स्कॉर्पिडो भी बोलते हैं। ठीक है, शार्क फिश होती है, डॉल्फिन फिश नहीं होती है, डॉल्फिन मैमल होता है, आपका ब्लू व्हेल मैमल होता है बच्चों, यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हाँ ट्यूना फिश प्रॉपर फिश होती है, काटला काटला, रोहू लोबिता, उसके अलावा बच्चों आपका आपका आता है, एक आती है छोटी सी आती है चिकलेट्स, वो भी आपकी सार्डिन, सार्डिन बच्चों बहुत छोटी छोटी मछलियां होती है, सार्डिन, सार्डिन खारे पानी की मछलियां होती है, इतनी इतनी सी मछली होती है, इतनी इतनी सी है। उसके अलावा बच्चों आपका आता है ये जिसका लीवर ऑयल आप खाते, कॉड, सैल्मन होती है, सैल्मन भी प्रॉपर फिश होती है, ईल भी फिश होती है जिसको इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं, ईल, ईल बच्चों जंग छोड़ती है, गप्पी भी फिश होती है, प्रॉपर एक्वेरियम में पाई जाती है, ऑस्कर फिश होती है, ऑस्कर नाम की फिश होती है, ऑस्कर, और आपकी चिकलेट्स होती हैं, चिकलेट्स ये भी प्रॉपर फिशेज होती हैं। तो बच्चों ये कुछ कॉमन नाम है, अक्सर आपको मिल जाएगा, गप्पी फिश होती है, यस एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत फिशेज होती हैं गप्पीज, इतनी इतनी से फिश होती है, कलरफुल होती हैं, हाँ ओशन सनफिश कहते हैं उनको। तो बच्चों आपको ये सब पता चल रहा है, आप सारे बच्चे नोट कर रहे हो ना कहाँ पर आप गलती करते हो, कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था ये आज का, जिसका छूट गया हो वापस करके दोबारा देख लेना और नोट कर लेना।
एब्सोल्युटली। उसके अलावा मैंने आपको स्टिंगरे बताई थी, स्टिंगरे भी आपकी कैसी होती है, मछली होती है प्रॉपर स्टिंगरे, हाँ ठीक है। शॉर्ट फिश भी फिश होती है, उसके बच्चों आगे ऐसे लंबी सी नोक होती है, ऐसा लगता है ऐसे कोई तलवार हो, तो शॉर्ट फिश भी शॉर्ट फिश होती है। कैटफिश होती है, कैटफिश भी कैटफिश प्रॉपर कैटफिश भी फिश होती है। गोल्ड फिश भी फिश होती है। ऑक्टोपस जो है वो आपका होता है मोलुस्का। फरहान मैंने कल का क्लास में पढ़ाया है, आप कल वाला मेरा क्लास जो है दोबारा देख लेना, उसके अंदर मैंने ऑक्टोपस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे आज मैं और सारी चीजों के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। हाँ तो डेली वाला क्लास देख लीजिए। हाँ जी अर्षित जी पूछिए क्वेश्चन। कार्प भी फिश होती है, कॉमन कार्प भी फिश होती है, एक्वेरियम फिश होती है ये। हर्षित बोलो क्वेश्चन बताओ अपना। आप देखो बच्चों जितनी भी चींटी आती है, चींटी कौन सी फैमिली में रखोगे आप लोग बताओ मुझे जरा, चींटी कौन सी फैमिली में रखोगे, चींटी चींटी चींटी। हाँ सियामी फाइटिंग फिश बहुत गंदी फिश होती है, लड़ती रहती है ये। एंट होता है, एंट एंट आपका कीड़ा, बीटल कीड़ा और कॉकोच कीड़ा। ये देखो सामने फोटोग्राफ दिखा दिया आपको, देखो ये सुंडी कहते हैं इसको, ये अक्सर आपकी दालों में लग जाती है सुंडी, ये लग जाती है, ये होती है आपकी फायर एंट, लाल चींटी। बच्चों उसके काटने से बहुत जबरदस्त तकलीफ होता है, बहुत जबरदस्त है ना, लाल चींटी के काटने से, रेड एंट के काटने से। और बच्चों दीमक भी इसी में आती है, टर्माइट हाइन ऑफ तरह में आती है, टर्माइट भी आपकी जो दीमक होती है ना, दीमक वो भी इसी के अंदर आती है। यस हर्षित का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक मेरे पास बच्चों। उसके अलावा बच्चों देखो लॉकस टिड्डी दल, ये रहा आपका टिड्डी। उसके अलावा बीटल हो गया, बीटल मैंने अभी आपको बताया, लेडी बर्ड हो गया। प्रदीप मीणा जी नमस्कार, थैंक यू सो मच सर प्रदीप जी। कल टीचर्स डे है हर्षित, टुमोरो इज टीचर्स डे। कल हमारा मैराथन भी आने वाला है मेरा, 1 बजे से आएगा बायो का मैराथन। रेडी रहिएगा, फोन की बैटरी बचा के रखिएगा और दिमाग बचा के रखिएगा, ठीक है। 1 बजे ठीक है, 1 बजे सुबह 9 से 11 अनूप सर का, उसके बाद एक के, उसके बाद गोपाल सर का, फिर मेरा है 1 से 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों देख लिए एग्जाम्पल देख रहे हो, देखो आप बोल रहे थे ना हेड थोरैक्स छाती और एब्डोमेन दिख रहा है बच्चों आपको। देखो ये बच्चों नीचे क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं इसके, और ये जो टेंटिकल्स होती है ना इससे ये क्या करता है, टेस्ट करता है, टेस्ट करता है। आरिफ ब्लैक आर्म तो बहुत जोर से काटती है लेकिन उससे इतनी जलन नहीं होती है, काटती तो है वो भी, चीटा नहीं देखा, चीटा चिपट जाता है बिल्कुल। हाँ थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर टू बी अ टीचर फॉर यू स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए अच्छों के लिए अच्छे हैं हम और बुरों के लिए भी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। पक्का 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 पार्टी पार्टी हर्षित बिल्कुल, ये कोरोना खत्म हो जाए तो सारे बच्चों से मिलना चाहूंगी, जो जो डेली बच्चों ने क्लास ली है सबसे मिलना चाहेंगे एक बार हम लोग एब्सोल्युटली। चलिए बच्चों सामने दिखाई दे रही है बड़ी गंदी मकड़ी है ये, अरैकनिडा में आता है। अरैकनिडा में कौन कौन आ गया आपका, आपका टिक्स आ गई, जू आ गई, बिच्छू आ गए और मकड़ी आ गई, अरैकनिडा वुल्फ स्पाइडर। बच्चों दुनिया के सबसे बड़ी मकड़ी का नाम क्या है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का नाम, सॉरी पार्टी कह रही हूँ मकड़ी का नाम दुनिया के सबसे बड़ी मकड़ी का नाम बताओ जल्दी बताओ। ये तो वुल स्पाइडर है, ये तो उसके पूरे शरीर पे बाल होते हैं, ऐसा लगता है कि फर है इसकी पूरी बॉडी पर। टेरेंटुला, टेरेंटुला है भैया, बहुत बड़ी होती है, इसको गोलियात बर्ड ईटिंग टेरेंटुला बोलते हैं, ये चिड़िया को भी खा जाती है। दिस इज द यस दिस इज द एब्सोल्यूट बिगेस्ट स्पाइडर इन द वर्ल्ड टेरेंटुला, और उसमें भी बच्चों गोलियात वाली, ये पक्षी तक को खा जाती है। और बच्चों ये 1 फिट यानी कि 1 फिट डायमीटर होता है इसका, मतलब 1 फिट कितना होता है, इतना होता है, इतना बड़ा इसका बीच का डायमीटर होता है। और आप सोचिए कि पैर इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसका नाम होता है थेरोफोसा, यस यस यस, गोलियात गोलियात। स्पेलिंग ठीक करो, स्पेलिंग ठीक करो समरदीप, गोलियात बर्ड ईटिंग टेरेंटुला। और बच्चों अफ्रीका में इसको भी भून कर खा जाते हैं टेरेंटुला को भी, हाँ टेरेंटुला को भी खा जाते हैं, बिगेस्ट होती है ये। और बच्चों ये देखो ये आपके केकड़े हैं, ये अक्सर आपको समुद्री जहां पर बीच होते हैं
तो ये बाहर आ जाते हैं बीचेस में, ठीक है। हाँ ये सारे बाहर आ जाते हैं। ये देखो ये आ गए आपके कान खजूरे और 100 पैरा 1000 पैरा, ये जिसको आप बोलते हो नीलीज वगैरह जो होते हैं यहीं पे आते हैं, शिलोपोडा सेंटीपीड। देखो सबके आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए कि कौन कौन सा इस ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंसेक्टा का नंबर 3 लाइफ स्टेज क्या है, तो देख लीजिए बच्चों सबसे पहले नंबर 1 स्टेज होता है अंडा, अंडे से बनता है आपका निम्फ, निम्फ कीड़े की बात बता रही हूं मैं, ड्रैगन फ्लाई की, और निम्फ से बनता है एडल्ट। और बटरफ्लाई में कैसे बनता है, अंडा लार्वा प्यूपा बटरफ्लाई, किसमें बनता है अंडा लार्वा प्यूपा बटरफ्लाई, बटरफ्लाईज में, ठीक है। और बाकी इंसेक्ट्स में कैसे बनता है अंडा, अंडे से बनेगा निम्फ और निम्फ से बनेगा एडल्ट। ये क्या बर्ड ईटर में अटक गए सारे। हाँ और किसी बच्चे को कोई डाउट, चलिए क्लियर होगी ये बात कि नहीं क्लियर होगी। तो बच्चों ये फ्रूट फ्लाई का है आपका, सबसे पहले क्या बनेगा देखो एम्ब्रियो, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट, ठीक है। तो 4 स्टेजेस हो गए हैं आपके कीड़े के अंदर, कितने स्टेजेस हो गए 4, सारे बच्चे नोट करें, एग लार्वा प्यूपा और आपका उसके बाद एडल्ट। देखिए बच्चों ये आ गया आपका आपका बटरफ्लाई, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं काइजालिस। तो सबसे पहले अंडा, अंडे से बना लार्वा, लार्वे से बना प्यूपा और उससे बना एडल्ट। और बच्चों ये जो आप सिल्क वर्म्स जिनकी बात करते हो यानी कि रेशम के कीड़े, तो बच्चों उनको कौन सी अवस्था में सिल्क के लिए निकाल लिया जाता है, तो बच्चों प्यूपा में निकाला जाता है। कौन सी, यानी कि थर्ड स्टेज पे निकाला जाता है, थर्ड स्टेज पर निकाला जाता है, बात समझ में आ रहा है, यानी कि प्यूपा वाली स्टेज पर। कौन सी स्टेज में सिल्क वर्म को यूज किया जाता है बच्चों, प्यूपा वाली स्टेज में यूज किया जाता है। सारे बच्चों नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो। चलो और बच्चों ये आपका आपका ग्रास हॉपर, एडल्ट अंडा फिर निम्फ बना, क्या बता रही हूँ निम्फ, और ये शॉर्ट नोट्स बना लेना इनके सबके, ठीक है। चलिए बच्चों तो आज का क्लास हमारा खत्म होता है यहीं पर, और आई होप आपको आज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। और अच्छा लगा तो बच्चों शेयर करेंगे, और मेरा कोड याद रखेंगे रायना 10 अकेडमी प्लस कोर्सेज के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड आप लोग यूज करेंगे रायना 10, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, और सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, ध्यान रखिए अपना। रात को आज अन अकेडमी पे क्लासेस हैं, एमसीक्यू सेशन है 9 बजे 10 बजे, तो आइएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय, टेक केयर, और सारे बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे तभी है जब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स बींग अ स्टूडेंट इट्स माई ऑनर कि मैं आप लोगों की टीचर हूँ बच्चों। सो थैंक यू सो मच। शिवम उपाध्याय थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।